हाँ तो नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लेनोवो K8 नोट प्लस के बारे में। इसकी पूरी प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ, तो इसके लिए बने रहिए, प्लीज इस वीडियो को बंद मत कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और भी मजेदार और टेक्नोलॉजी से भरे वीडियोस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था लेनोवो K8 नोट प्लस के बारे में, इसकी प्राइसिंग लगभग जो पिछले वाला फ़ोन था लेनोवो K8 नोट उसी की तरह है, इससे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं है। ये फ्लिपकार्ट में अभी अवेलेबल होने वाला है, इसका सेल भी आने वाला है, तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके लुक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अभी आप स्क्रीन पे इसके लुक्स देख पा रहे होंगे। अब इसके जो बाकी के स्पेसिफिकेशन है वो भी ज़रा देख लेते हैं और देख लेते हैं ये कैसा फ़ोन आखिरकार लेनोवो ने फिर से एक बार निकाला है। पिछला वाला हमें पता था कि K8 नोट बहुत अच्छा चला था, बहुत अच्छा एक फ़ोन था, तो ये फ़ोन से भी इसी तरह की उम्मीद की जा रही है और ये इस उम्मीद पे खड़ा भी उतरेगा। तो चलिए चलते हैं इसके बाकी के कुछ और स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसके स्पेसिफिकेशन में मैं आप लोगों को इसका जो स्क्रीन साइज है, जो डिस्प्ले साइज है, वो आपको 5.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा 1080p के साथ, मतलब फुल HD एक डिस्प्ले मिल जाएगा आप लोगों को। और साथ ही साथ अगर मैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं मैं, तो इसमें आपको एंड्रॉयड 7.1.1 न्यूगार्ड मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। और इसमें बहुत जल्दी इसका ऊपर वाला ओरियो का भी अपग्रेड आने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जैसा कि हमें पता है कि इसका जो छोटा वर्सन था लेनोवो K8 नोट, उसमें हमें मीडियाटेक का हीलियो P23 का प्रोसेसर मिल रहा था। इसमें हमें मीडियाटेक हीलियो P25 का प्रोसेसर मिल रहा है, ऑक्टा कोर 2.5 GHz का कॉर्टेक्स A53 के साथ। और इसमें आपको जो इंटरनल स्टोरेज मिलेगा वो है 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, ये थोड़ा कम है। और 3 GB का आपको इसमें रैम मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब SD कार्ड का स्लॉट मिलेगा, वो आपको 256 GB तक का मैक्सिमम स्टोरेज मिलेगा। और कैमरे की मैं बात करूं तो आपको इसमें 16 MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा डुअल टोन LED फ्लैश के साथ, और बहुत कुछ जियो टैगिंग ये सब आपको मिल जाएगा। और जो सेकेंडरी कैमरा मतलब जो आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा, वो आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। और इसमें साउंड टाइम्स, वाइब्रेशन, MP3 ये सब बहुत कुछ है, लाउड स्पीकर 3.5 mm जैक ये सब तो होते ही है। और ब्लूटूथ वर्सन आपको इसमें 4.2 का आपको ब्लूटूथ सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर मैं इसके सेंसर्स की आपको बात करूँ तो आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास। और बाकी के सब कुछ आपको फास्ट चार्जिंग या फिर क्विक चार्जिंग जो भी आप बोलना चाहें, यहाँ पर टर्बो चार्जिंग कहा गया है इसको, मतलब ये आपको नॉर्मल क्विक चार्जिंग से भी तेज चार्ज करेगा। और इसमें आपको एक 4000 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलेगा, जो कि काफ़ी देर तक आपके फ़ोन को चलाए रखेगा। बेशक ये एक बड़ा और हाई एंड बैटरी डिमांडिंग फ़ोन है, इसमें बहुत हाई एंड प्रोसेसर और बहुत कुछ लगे हुए हैं, इसीलिए लेनोवो ने इसमें और इसके पिछले वाले वर्जन में दोनों में ही लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया लिथियम आयन की जगह, क्योंकि लिथियम पॉलीमर बैटरी हमें पता है लिथियम आयन से ज़्यादा चलती है और ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा 4000 mAh का आपको बैटरी मिल जाता है, जो लगभग आपको 1.5 दिन का एक बैकअप दे देगा इस फ़ोन में, क्योंकि इसका प्रोसेसर काफ़ी हाई एंड है, हीलियो P25 का प्रोसेसर मिलता है और 3 GB का आपको रैम मिलता है। लेकिन 32 GB का इंटरनल स्टोरेज थोड़ा कम है, ये 64 या फिर 128 GB का होना चाहिए था, लेकिन आपको एक्सटर्नल स्टोरेज आपको काफ़ी ज़्यादा 256 GB तक का आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये फ़ोन भी लेनोवो K8 नोट की तरह है और उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है उससे भी। और इसमें आपको और भी कुछ और खूबियाँ मिल जाएगी जो आप नीचे चेक कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक कीजिए और डायरेक्टली जाके फ्लिपकार्ट में इसको चेक कीजिए। कल ही अनवेल हुआ है जैसे मैंने बताया था, इसके लुक्स आप फिर से एक बार स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर आपको ये फ़ोन पसंद आए तो आप डायरेक्टली जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको वहाँ पर सेल का पूरा डिटेल मिल जाएगा, जब कब ये फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होने वाला है, तो इस सबको कर लीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए इस नीचे वाले बड़े से बटन को दबा के। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। गुड बाय।